दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने आधार कार्ड में अपने ईमेल एड्रेस को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने जब आधार कार्ड बनवाया था उस टाइम पे कोई और ईमेल एड्रेस आपने वापस दिया था और आप उसको चेंज करना चाहते हैं यानी कि अपडेट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, इसी का प्रोसेस आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी अपने आधार कार्ड में अपना ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों कि आपको सबसे पहले गूगल पर आना होगा। गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना होगा UIDAI। यहाँ पर आप देख सकते हैं UIDAI, इतना लिखकर आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले यहाँ पे आधार की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी UIDAI.gov.in। इसी को आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। चलिए मैं इस वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप इस वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है गेट आधार का। गेट आधार वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि लोकेटेड, एनरोलमेंट सेंटर, बुक अपॉइंटमेंट, चेक आधार स्टेटस, वगैरह काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आपको करना क्या होगा, सेकंड नंबर पर आपको यहाँ पे जो बुक एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है इस पे आपको यहाँ पे टैप करना होगा। इस प्रोसेस को अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं या फिर अपने पीसी या लैपटॉप से भी कर सकते हैं। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट। सिंपली आपको प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पे यहाँ पे टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इंडियन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो आपको यहाँ पे इंडियन वाले पे सिलेक्ट रहने देना। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं लॉगिन करने के, एक आपको मोबाइल नंबर के थ्रू मिलता है, एक आपको ईमेल आईडी के थ्रू मिलता है। तो यहाँ पर आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ जो भी मेरे आधार से मैंने लिंक कराया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा दी जाती है, इस कैप्चा को आपको फिल करना है। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आती है तो आप यहाँ पे ट्राई अनदर वाले पे टैप करेंगे तो यहाँ पे कैप्चा चेंज हो जाएगी, और इसको आपको यहाँ पे ऐसी कैसी फिलअप कर देना है। चलिए मैं इस कैप्चा को ऐसे कैसे यहाँ पे डाल देता हूँ। और इसके बाद आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी सेंड की जाएगी, उसको आपको यहाँ पर डालकर वेरीफाई करना होगा। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी ओटीपी हमारे पास आने वाली है। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास ओटीपी आ चुकी है उसको, और ओटीपी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड पर टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, न्यू एनरोलमेंट, और आपको एक ऑप्शन मिलता है अपडेट आधार का। ऐसे में अपडेट आधार वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाता है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा और अपना आधार नंबर देना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दे देना है। चलिए यहाँ पर अपना नाम दे देता हूँ और अपना आधार नंबर दे देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने अपना नाम भी दे दिया और अपना आधार नंबर भी दे दिया। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आप क्या चीज अपडेट करना चाहते हैं, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। तो हम यहाँ पर ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहते हैं यानी कि अपडेट करना चाहते हैं, तो हम ईमेल वाले पे यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे और इसके बाद प्रोसीड पे टिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आएगा, आपको यहाँ पे ओके कर देना है। इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको अपना वो ईमेल दे देना है जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, और अगर पहले से आपका यहाँ पे ईमेल होगा तो आप उसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। चलिए जिस ईमेल को मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ उस ईमेल को मैं यहाँ पर दे देता हूँ। और इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करने का ऑप्शन आएगा, तो इस कैप्चा को आपको यहाँ से फिल कर देना है। चलिए कैप्चा भी मैं यहाँ से फिल कर देता हूँ। और इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे टैप कर देना है। और जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपने जो भी ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया उस पर एक वन टाइम पासवर्ड की ओटीपी सेंड की जाएगी, उसको भी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईमेल पर मेरे पास ओटीपी आ चुकी है, उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ से ओटीपी वेरीफाई पे टैप कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईमेल आईडी हमारी यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है। नीचे की साइड आएंगे यहाँ पर आपको दो बटन देखने को मिलते हैं, बैक और सेवन प्रोसेस का। तो सेवन प्रोसेस वाले बटन पर आपको टैप कर देना है। इसके बाद इस तरह का फॉर्म आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन टिक मार्क लगा देना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आपको इसको कर देना है सबमिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबमिट हो चुका है। इसके बाद में आपको यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट आईडी दे दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, फिर इसे आप नोट करके रख सकते हैं कि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। इसके बाद नीचे आपको बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको इस पे टैप करना है। इस पे टैप करेंगे ये आपसे परमिशन वगैरह के लिए मांगता है, तो आपको इसको यहाँ से अलाउ कर देना है। तो जैसे आप इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी लोकेशन को इसने यहाँ पे ट्रेस कर लिया, और लोकेशन को ट्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको दो सेंटर बता दिए आपके जो सबसे नजदीकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटर के नाम और एड्रेस यहाँ पे मुझे दिखा दिए गए हैं। यहाँ से आपको एक सेंटर सिलेक्ट कर लेना जो भी आपको पास पड़ता है। तो चलिए मैं यहाँ से कोई भी एक सेंटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस वाले को मैं सिलेक्ट करता हूँ, बुक अपॉइंटमेंट में यहाँ पे टैप कर देते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलेंडर आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेड कलर में आपको डेट नजर आ रही है, ये डेट अवेलेबल नहीं है, डेट पूरी तरह से यहाँ पे बुक हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे अभी कोई भी ग्रीन आपको नजर नहीं रही, जो भी डेट आपको ग्रीन नजर आती है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको सबमिट पर टैप कर देना है। पर जो भी डेट आपने यहाँ से सिलेक्ट करेगी उसी डेट पे आपको उस सेंटर पर जाना होगा, वहां जाकर आप अपने ईमेल एड्रेस को यहाँ पे अपडेट करा सकते हैं। तो बस दोस्तों ये प्रोसेस है जिसकी हेल्प से अपने आधार कार्ड में अगर अपने ईमेल एड्रेस को चेंज कराना चाहते हैं या ऐड कराना चाहते हैं तो इजीली करा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की छोटी सी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए।